हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। आज 3 फरवरी 2018 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट examguruji.in से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां भी आपको पीडीएफ और वीडियोज की अपडेट मिलती रहेंगी। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एमपीपीएससी प्री 2019 के लिए हमारी लाइव क्लासेस डेली चल रही हैं और इसे आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उसके अलावा एमपीपीएससी प्री 2019 के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, उसको आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। एमपीपीएससी प्री 2019 के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो ये भी आप हमारी वेबसाइट पर देख पाएंगे। और एमपीएसआई 2019 के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पिछले पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का रिविजन। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे और सीमांत कृषकों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। वहीं दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कितने मकानों को मंजूरी प्रदान की गई है और इसके तहत 4,78,670 मकानों को मंजूरी प्रदान की गई है। तीसरा प्रश्न है कि रक्षा खरीद परिषद ने कितने रुपए की 6 स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है और ये मंजूरी दी गई है 40,000 करोड़ रुपए की। वहीं चौथा प्रश्न है कि नीति आयोग किन समुदायों के लिए पैनल गठित करेगा, किया है उसने और ये पैनल गठित किया है खानाबदोश समुदायों के सर्वेक्षण के लिए। पांचवा प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री 11 फरवरी को एक दिन की यात्रा पर भारत आएंगे और ये आएंगे इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। वहीं छठवां प्रश्न है कि सरकार ने किस आय सीमा तक टैक्स में छूट दी है, तो सरकार ने 5 लाख रुपए तक की सीमा के लिए छूट दी है, पहले ये छूट 2.5 लाख रुपए तक की थी। वहीं सातवां प्रश्न है कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापार जारी रखने के लिए एक नया भुगतान चैनल शुरू किया है जिसका नाम है इंस टैक्स और ये शुरू किया गया है ईरान के बीच में। वहीं आठवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे घोषित किया है आवर्ती सारणी वर्ष के रूप में। नवा प्रश्न है कि 20वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। वहीं 10वां प्रश्न है कि विश्व की 200 वनडे खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं और ये बन गई हैं मिताली राज। तो ये थे हमारे पढ़े गए कल के करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सीबीआई के जो नए डायरेक्टर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ऋषि कुमार शुक्ला साहब, राइट। और ये मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में डीजीपी थे जिनको अभी हाल ही में रिटायर किया, मतलब इनका तबादला किया गया था, डीजीपी के पद से हटाया गया था और अब ये बना दिए गए हैं सीबीआई के डायरेक्टर। पहले कौन थे, तो आलोक कुमार वर्मा थे इनसे पहले। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है उसने जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है 1946 और उसके तहत गठित किया गया है सीबीआई और उसमें समिति है जिसके अनुशंसा पर सीबीआई के निदेशक को नियुक्त किया जाता है, तो उसके आधार पर 1983 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और इसको मंजूरी दी है। ये नियुक्ति जो है पदभार ग्रहण करने से 2 वर्षों के लिए होगी और इनसे पहले कौन थे, तो आप सभी जानते हैं इनसे पहले आलोक कुमार वर्मा थे, वो इनका स्थान अब लेंगे। बात करेंगे केंद्रीय जांच ब्यूरो की सीबीआई की, तो इसकी स्थापना हालांकि काफी पहले हुई थी लेकिन सीबीआई का जो नाम इसे मिला था 1 अप्रैल 1963 में इसका नाम मिला था, पहले से स्पेशल पुलिस के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसके निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला जी बन गए हैं, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, राइट। इसकी डिटेल देखिए क्या है, तो हर साल क्या होता है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवता और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि के मूल्य पर वैश्विक जागरूकता के लिए मनाया जाता है कि आखिर मानवों के लिए ये जो आर्द्र भूमि होती है या दलदली भूमि होती है वो क्यों इतनी उपयोगी होती है और उसका क्या महत्व होता है। और इस बार का जो विषय है 2019 का वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, ये इस बार का जो है इसका विषय है। शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर जो ईरानी शहर है रामसर उसमें नम भूमि के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उस प्रस्ताव पारित किए जाने से ही इसको जो है शुरुआत हुई थी। और जो वेटलैंड होता है, दलदली भूमि होती है, उसको रामसर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ देंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरा कि किस उच्च न्यायालय ने आईआईटी जैसी जो प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षा होती है उसमें नेगेटिव मार्क्स दिए जाने वाली प्रणाली को तत्काल समाप्त करने का निर्देश दिया है और ये निर्देश दिया गया है मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। सी ऑप्शन सही उत्तर है, मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी डिटेल देखिए क्या है,
तो मद्रास उच्च न्यायालय ने क्या किया है कि आईआईटी मद्रास, आईआईटी प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, उनमें जो है नेगेटिव मार्क्स दिए जाने की प्रणाली को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, इस प्रकार का निर्देश दिया है। और न्यायालय ने 6 साल पहले आईआईटी प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्क के कारण असफल रहे एक छात्र, उनकी याचिका पर सुनवाई की और उस पर निर्णय देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग देना कानूनी रूप से उचित नहीं है। और इस फैसले से नेगेटिव मार्किंग के कारण प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में जो दाखिला नहीं हो पाने वाले आवेदक थे, उनको बड़ी राहत मिलेगी। बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ कि 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019, इसकी शुरुआत कब से हो रही है? तो इसकी जो शुरुआत की जाएगी वो 4 फरवरी से की जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, 4 फरवरी। इसकी डिटेल देखिए क्या है। तो 4 फरवरी 2019 से 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत होगी। उद्घाटन होगा इसका नई दिल्ली में और इसमें सरकार और उद्योग से जुड़े जो सड़क सुरक्षा से संबंधित बच्चे हैं और गैर सरकारी संगठन है, वो हितधारक है, वो सब इसमें जो है भाग लेंगे। और विशेष क्या होगा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक मोटर कार रैली को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। आपको पता होना चाहिए 2019 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी का 150वां वर्ष है, 1869 में उनका जन्म हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ जो कि 5वां प्रश्न है कि किसने एर्नाकुलम चैनल में आयोजित दक्षिण नौसेना कमान, इसके कोची एरिया पुलिंग रेंगटा 2019 रेगाटा 2019 में रेगाटा ट्रॉफी जीती है। एक्चुअल में ये इस प्रकार की ट्रॉफी क्या होती है और ये जीती है आईएनएस द्रोणाचार्य ने। क्या होता है ये, इसकी डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कि आईएनएस द्रोणाचार्य ने जो एर्नाकुलम चैनल है उसमें आयोजित की गई थी दक्षिण नौसेना कमान का जो कोची एरिया पुलिंग रेंगटा रेगाटा 2019 और ये रेगाटा ट्रॉफी इन्होंने जीती है। इस प्रकार की जो है ये प्रतियोगिता होती है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर और स्कूल एंड डाइविंग स्कूल, इसने जो है रनर अप यानी दूसरा स्थान हासिल किया है। और बोट पुलिंग रेगेटा क्या है, ये नौसेना के द्वारा संचालित सबसे प्रतिष्ठित और पारंपरिक नौसैनिक खेल गतिविधियों में से एक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ जो कि 6वां प्रश्न है कि अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कहाँ लॉन्च किया गया है। और अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज ये जो लॉन्च किया गया है ये रोम में लॉन्च किया गया है। रोम इटली की राजधानी है और रोम में ही एक और देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। इसकी डिटेल देखिए क्या है। तो अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको लेकर 29 जनवरी 2019 को रोम में इसको लॉन्च किया गया है और ये सेंटर इटली और संयुक्त राष्ट्र की सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। और केंद्र सतत विकास के लिए अभिनव समाधान विकसित करेगा ये केंद्र जो होगा और संयुक्त राष्ट्र के 2030 का जो एजेंडा है उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करेगा। और ये जो संस्थान है इसका मुख्यालय रोम में जो खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय है उसके पास में स्थित है। अगला है 7वां प्रश्न कि किसे जो है पंजाब का जलीय जानवर घोषित किया गया है। तो पंजाब का जो जलीय जानवर घोषित किया गया है वो डॉल्फिन है। और डॉल्फिन भी कौन सी, ये डॉल्फिन है जो सिंधु नदी में पाई जाती है। इसकी डिटेल देखिए क्या है। तो 1 फरवरी 2019 को जो लुप्त प्राय सिंधु नदी की डॉल्फिन है उसको पंजाब राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया है। पंजाब में सिंधु नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से सतलुज नदी ब्यास नदियों में मिलती है और ये निर्णय लिया है राज्य का वन्य जीव बोर्ड में जिसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल यहाँ के वीपी सिंह बदनौर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 8वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्मार्ट बैलेज कैंपेन इस योजना को मंजूरी प्रदान की है। और ये जो मंजूरी प्रदान की गई है ये प्रदान की गई है पंजाब राज्य के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। क्या है ये योजना और क्या मंजूरी प्रदान की गई है। तो सरकार ने 29 जनवरी को स्मार्ट बैलेज विलेज कैंपेन यानी SVC इसको मंजूरी दी है और गांव की जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको समर्थन देने के उद्देश्य से इस योजना को मंजूरी दी गई है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसमें गांव को जो आवश्यक सुविधाएं हैं जैसे सड़क है और इसी प्रकार की जो दूसरी संरचनाओं की जरूरत होती है वो सब पूरी की जाएंगी। और SVC योजना के लिए वित्त पोषण जो किया जाएगा 14 वित्त आयोग और मनरेगा के कार्यों से किया जाएगा, यानी इससे इसको पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। अगला 9वां प्रश्न है कि किस राज्य में जीवन संपर्क परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो जीवन संपर्क परियोजना इसका जो शुरुआत की गई है वो ओडिशा में की गई है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसकी डिटेल देखिए कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उन्होंने क्या किया है, 27 जनवरी को यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर जीवन संपर्क
इस परियोजना की शुरुआत की। और उद्देश्य क्या है कि सरकार में विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह है उनके बीच सरकार के विकास और कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूकता फैलाना, उनको बताना कि सरकार आपके लिए किस प्रकार की परियोजना चला रही है, राइट। और परियोजना फोकस क्षेत्रों में समुदायों में कौशल विकास यानी स्किल ट्रेनिंग और उनको सशक्त करना भी इसमें शामिल किया गया है। उड़ीसा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। बढ़ेंगे 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ कि ऑस्ट्रेलियाई LPGA कार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बन गई है, तो ये पहली भारतीय गोल्फर बनी है, इनका नाम है वाणी कपूर। बी ऑप्शन सही है, वाणी कपूर। इनकी डिटेल देखिए क्या है, तो गोल्फर वाणी कपूर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई के बेलरेट गोल्फ क्लब में पहली बार क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में तीन अन्य के साथ 12वीं रैंक हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई लेडीज PGA टूर को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई हैं। और 81 खिलाड़ियों ने क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लिया था, जिनमें से शीर्ष 20 में को ये कार्ड आयोजित किया गया, जिनको इसमें शामिल किया गया है, और उन्हीं में से एक वाणी कपूर हैं। बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक प्रत्येक परिवार को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, और इसका सही उत्तर दिया दीपिका पटेल ने। इन्होंने बताया है कि 25 जून 2015 को यह योजना प्रारंभ की गई थी और इसके अंतर्गत नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुसार घर उपलब्ध कराया जाता है, और 9 राज्यों के 305 शहरों को इसमें जो है शामिल किया गया है। उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना। आज का प्रश्न है कि भारत का जलीय जीव क्या है। तो आई होप आपको इसका उत्तर पता होगा, तो इसके बारे में आप जानकारी जो भी दे सकें उसका स्वागत है। आज का वीडियो हम करेंगे यही समाप्त। तो उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से आप आज के वीडियो की PDF जरूर डाउनलोड कीजिए और उस PDF को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।